लोग से बोलती थी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा हस्बैंड जेल में है, तो आपका दर्द समझे दीदी, तो हम लोग का दर्द समझिए। जब हेमंत सोरेन आए हैं तो हमारे सारे अधिकार को हेमंत सोरेन छीन बैठे हैं। तो बोलते हैं मैया योजना, बप्पा योजना, काका योजना निकालिएगा, एक तो कोई गारंटी नहीं है, वो भी निकाले, पता नहीं आपका ढकोसला है कि क्या। मर्द लोग को एक बोतल दारू और एक मुर्गा में हम खरीद लेते थे, तो उसी प्रकार सोचे हैं कि नारी लोगों को हम 1000 रुपये दे के खरीद लेंगे, तो वो आप भूल है। लैट्रिन में बैठी हुई महिला लोग को हम लोग उठाए हैं, उनका ताज़ा लैट्रिन उठा उठा करके उन लोग को शिक्षा दिए हैं कि देखिए दीदी लोग इस पे मक्खी बैठता है और मक्खी के सहारे हम लोग महिला खाते हैं। हेमंत सोरेन जी आपको जागने बोल रहे, जाग जाइए अभी भी। दोस्तों आप देख सकते हैं झारखंड राज्य के जल सहिया कर्मचारी संघ के सारे लोग जो है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का क्या क्या मांग है वो सारा कुछ हम जानकारी इन्हीं लोग से लेंगे, इनको क्या परेशानी हो रहा है सारा कुछ जो है इन लोगों से हम बात करते हैं। जी बताइए क्या मांग है आपको? मांग की तो बात दूर रह गई, हम ये झारखंड सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जब जिस समय वो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, उस समय जल सहिया लोग को आगे कर दिया, और ये नहीं कि हर जगह ओडिया घोषित के लिए हर जगह जल सहिया लोग को भेजा। ओडिया घोषित में हम लोग को मॉर्निंग फ्लो कराते थे सरकार, जिधर महिला लोग जाती थी वहाँ उठा उठा करके लैट्रिन में बैठी हुई महिला लोग को हम लोग उठाए हैं, उनका ताज़ा लैट्रिन उठा उठा करके उन लोग को शिक्षा दिए हैं कि देखिए दीदी लोग इस पे मक्खी बैठता है और मक्खी के सहारे हम लोग महिला खाते हैं। उस प्रकार से हम लोग महिला लोग को जागरूक किए हैं, हर घर में हर महिला को हर गली में जा जा करके जागरूकता करके आज स्वच्छता अभियान सरकार चलाई है, लेकिन किसके बदौलत? जल सहिया के ऊपर। और अभी हम लोग के सारा अधिकार है, जब हेमंत सोरेन आए हैं तो हमारे सारे अधिकार को हेमंत सोरेन छीन बैठे हैं। जिस समय इनको जीतना था तो उस समय हम लोग से ये आश्वासन दिए कि हेमंत ये रघुवर दास आप लोग को क्या दे रही है 1000 रुपया, ये तो वृद्धा पेंशन लायक है, जब हमारी सरकार होगी आप हम लोग को जिताइएगा, हमको जिताइएगा, तो हम है सो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से आप लोग को मानदेय देंगे। और जब ये जीत गए हैं तो जो भी हम लोग को रघुवर दास 1000 मानदेय देते थे वो भी ये छीन करके अभी बैठे हैं, तो इनको पूछते हैं कि तो अभी ये राज पर बैठ गए हैं अपना, लेकिन ये अपना बीवी बच्चा को किस तरह से रख रहे हैं, और हम लोग किसी विधवा महिला से हैं, किसी के घर में कमाने वाला नहीं है, किसी के घर में दो पैसा का आमदनी नहीं है, और हम लोग को इस चौराहे पर राह में बैठा करके ये कान में तेल डाल करके सो गए हैं। सो उन्हीं से सवाल हम करना चाहेंगे कि ये हम लोग पर ऐसा स्थिति क्यों डाले हैं। देख हम लोग का चुनाव 2010 से हुआ है, 2011 से हुआ है, उसके बाद हम लोग तो 8-9 साल से फ्री में काम किए, हम लोग इसी तरह से बहुत आंदोलन किए, जब ओडिया घोषित हो गया और हम लोग के सहारे ओडिया घोषित होने के बाद रघुवर दास है सो सीधे कैबिनेट पर हम लोग को बोला गया कि नहीं आप लोग को 1000 मानदेय किया जाएगा, और वो कुछ दिन हम लोग को दिए भी, और जिस समय से ये हेमंत सोरेन जी आए हैं उस समय से ये पूरा हम सरकार में आपको पूरा मिला। हाँ पूरा मिला, मैंने हाँ 5 साल तो बीचों बीच में वो तो मानदेय लागू किए हैं, वो भी निकलते निकलते दिए, जब उनका है सो हम लोग को काम देख करके दिए, वो ऐसा फ्री में नहीं दिए हैं, काम देख करके वो दिए, उसके बाद जैसे वो 2-4 बार तो दिए, उसके बाद ये है हेमंत सोरेन जिस दिन से आए हैं वो भी बंद करके हम लोग को रख दिए हैं। आप पता नहीं क्या दुश्मनी था और क्या दुश्मनी हम लोग के ऊपर ये निभा रहे हैं। अभी मैया सम्मान योजना जो चला दिए हैं घर बैठे महिला लोग को, और अपना सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दावा कह के कर रहे हैं कि हम लोग को आज 12-15 साल से काम करा करके हम लोग को मानदेय रोक दी, उनकी बीवी बच्चा पर हाय लग जाएगा, हम लोग को किया हुआ काम पर ये छीन रहे हैं, उसका बीवी बच्चा पर हाय लग जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर हमारे ये धारणा के आधारित पर अगर हम लोग को नहीं सुनते हैं तो जिस जगह पे हेमंत सोरेन उसकी बीवी बच्चा जहाँ ठहरते हैं वहाँ हम लोग ढाबा दे देंगे, वहाँ ढाबा देख करके वहीं ढाबा देंगे, दिन रात पड़े रहेंगे, बाले बच्चे सब पड़ल रहेंगे।
अगर हिंदी मुंह सुनते हैं, हिंदी भाषा समझते होंगे तो भी समझेंगे, खोटा भाषा समझते होंगे तो भी समझेंगे। और बहुत महिला लोग ना, हम लोग के ग्रुप में, जलसैया ग्रुप में बहुत सारी महिला लोग, विधवा महिला है, वो कहाँ कमाने के लिए जाएगी? जिसके पास पति है, जिसके पास बाल बच्चा कमाने वाला है, वो तो गुजर बसर कर रहा है, लेकिन महिला, विधवा महिला लोग कहाँ जाएगी? हम सरकार से ये सवाल करना चाह रहे हैं कि उसकी भी बहन विधवा हो जाती, उसकी भी विधवा हो जाएगी, तब वो कहाँ क्या करेंगे? सब मर जाएंगे हेमंत सोरेन, तब उसकी बीवी कहाँ जाएगी? हम सरकार से ये सवाल उठाना चाहते हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे ना, तो उनको भी हम लोग पूरा जल सही जितना हम लोग को परिवार है उतना उखाड़ करके उनको हम लोग फेंकेंगे। अभी पहले आपने प्रदर्शन बहुत जगह किए हैं, अगला साल 29 दिन हम लोग यहीं पे धरना दिए। मिसलेश ठाकुर जो जब पेयजल के मंत्री हैं, वो बोले कि हम लोग, आप लोग यहाँ से धरना उठा लीजिए, आप लोग को मानदेय जो उचित मानदेय है वो हम लोग दिलवा करके रहेंगे, और शोषण देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू देव हुआ, मैं हजारीबाग की जलसैया। सरकार को हमें यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जागने का समय है, अभी आपका चुनाव का समय है, आप चुनाव का समय अभी भी जाग जाइए, और नहीं तो सोना है तो फिर आराम से सो जाइएगा, फिर दोबारा जागने का मौका नहीं मिलेगा। जब सही है लोग आपको हम बोल रही हैं, हमेशा दादा भैया कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं आपसे कि आप जागे, जनसैया के प्रति जागे, महिला के प्रति जागे। आप तो बोलते हैं महिला योजना, बप्पा योजना, काका योजना निकालिएगा, एक तो कोई गारंटी नहीं है, वो भी निकाले, पता नहीं आपका ढकोसला की क्या है। बस यही दो महीना चुनाव का वोट का टाइम आया तो आप महिला योजना निकाल दिए, 5 साल से आप कहाँ सोए हुए थे? 5 साल से नहीं निकालते, साल और पहले निकाल दिए रहते तो आप 2 महीना दे के नारी को क्या समझ रहे हैं कि पहले मर्द लोग को एक बोतल दारू और एक मुर्गा में हम खरीद लेते थे, तो उसी प्रकार सोचे हैं कि नारी लोगों को हम 1000 रुपये दे के खरीद लेंगे, तो वो आप भूल है आपकी। आप सभी को लाइफ बर्बाद कर दिए हैं, आप जब से सरकार बनी स्टूडेंट का तो लाइफ बर्बाद किए ही, महिलाओं को लाइफ बर्बाद कर दिए। हम लोगों को तो बहुत उम्मीद था, वोट भी दिए, आप हम लोग से बुलाए भी थे, हम लोग को बैठ के बात भी किए थे कि हमारी सरकार आने दीजिए, तो हम भी उम्मीद किए थे कि भाई झारखंड की सरकार है तो चलो भाई कुछ नहीं है तो झारखंडी लोग तो सुनेगा ही ना, कौन मर बिहारी है चाहे कोई मर यूपी है, झारखंड का सरकार को इसलिए चुने कि अपना घर का वो इंसान है, घर का दर्द को समझेगा। तो घरों से लगता है कि अंग्रेजों से बेकार इंसान निकल गया, तो अंग्रेजों से बेकार है तो अंग्रेज का, अंग्रेज तो बहुत ज़्यादा अत्याचार के, तो वही अत्याचार तो आप कर दिए, स्टूडेंट के साथ में भी कर दिए, महिलाओं के साथ में भी कर दिए। अभी देखिए सैया लोग को जो आपका हेमंत ये क्या कहता है, जो मंत्री जी थे पिछले बार रघुवर दास जी थे, वो हम लोगों को 1000 रुपया मार्च में 2019 में मार्च में 1000 रुपया करके गए थे। हम लोगों काम को देखे, हम लोगों को देखते हुए बुला करके, बहन लोग नहीं आप लोगों को हम समझ रहे, 1000 रुपया ये बैठा के बोलते 1000 रुपया होता क्या है, 1000 रुपया क्यों मिल रहा है, हमारी सरकार आने दीजिए, 1 का 10 करेंगे। अरे आप तो 1 का 0 कर दिए, 1 का 10 करने का तो आपका औकात नहीं चला, तो आप 1 का 0 मार दिए। अरे नहीं औकात था तो हमारा 1 का 1 रहने देते, हम नहीं मांगने जा रहे थे आपके यहाँ, ये हो जाता हम लोग गलती हो गया कि आपको वोट दिए और अपनी और महिलाओं को देख करके वोट दिए। हम लोग को 30,000 जलसैया है पूरे राज्य में, 30 का हस्बैंड भी है, ऐसा नहीं है कि आप कुमारी को वोट मतलब दिलवाए थे और कुमारी लड़की को रखवाए थे कि चलो भाई कुमारी लड़की का तो कोई है नहीं, अरे हम हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारा बच्चा है, नहीं तो हर घर में हम तो हमारे दो जरूर मिलेगा, उसमें आप गुना कीजिए, उसके बाद उसका सास ससुर, उसका देवर, उसका गोतनी, उसके अगल बगल गांव में, माने हमारा गांव होता है 400 आता है एक गांव में, हमारा 3 गांव है, 1 पंचायत में 3 गांव है, तो 400 से आप गुना लगाइए कि एक संख्या सिर्फ जहां एक महिला अगर कहा जाए 400 आ रहा है, 400 का अगर 3 गाँव को मिलाया जाए तो टोटल 2000 संख्या है, और 2000 संख्या को अगर हम गुना करते हैं उसका हस्बैंड, उसका सास ससुर, उसका बाल बच्चा, तो आप देखिए कितना वोट आपका चला जाएगा। तो इसलिए हेमंत सोरेन जी आपको जागने बोल रहे, जाग जाइए, अभी भी मौका है। आप लोग किसी को है जो यहाँ पैसा मिला? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, पैसा नहीं मिला 2019 के बाद, ये जो वोट में ये जीते हैं हम लोग, तो मैया योजना का भी देखिए अभी इस चीज पे भी हम चर्चा, मैया योजना पर क्या हुआ, हम लोग गए भरने के लिए फॉर्म तो कह दिया आप लोग जल सहिया है, उस पर भी लेटर में लिख दिया कि आपको IC मद से पैसा मिलता है, आपको वो JJM से पैसा
मिलता है, आपको SBM से पैसा मिलता है। अरे मिथिलेश ठाकुर तुम तो चोर बैठे हो, तो तुम्हारा नीचे वाला गद्दी वाला क्या करेगा, वो भी तो साला चोरी बैठा है। तुम चोरी कर रहे हो तो तुम्हारा नीचे वाला भी अम्मा, हाँ अपने घर की माँ है, तो अगर हम चोरी करेंगे तो हमारा बच्चा कहाँ सीखेगा, वो भी तो चोरे ना बनेगा, उसको तो हम गलत नहीं ठहराएंगे। मैं तो माँ जब सही रहेगी तभी तो मेरा बच्चा सही निकलेगा। तो मिथिलेश ठाकुर चोर है तो उसका नीचे वाला गद्दी वाला लोग चोर है, तो जैसे आप ठग रहे हैं तो नीचे वाला लोग सब खाया जा रहा है, ना हम लोग को कुछ पैसा मिलता है, कुत्ता की तरह घर मतलब ये करो। तो हमको कहना है पैसा तो मिलता नहीं है, जो अधिकार है उसमें से भी नाम धीरे 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 हटाया जा रहा है कि गवर्नमेंट सरकार का पैसा हम खा लेते हैं। जितना PhD का लोग है, स्टाफ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, सारा लोग चोर है। अगर जाँच बैठा जाए ना, सारा गवर्नमेंट का पैसा सारा लोग इन लोग हड़प मार रहा है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग इतना मर रहे हैं, इतना गाँव में जा करके, जिस समय लोगों का शौचालय जाने का नहीं था, शौचालय जाने के लिए शौचालय का नाम नहीं जानता था, गवर्नमेंट सरकार का आया, हम लोग हर दीदी भैया चल दीदी चल ना बैठी हो, कहाँ कहाँ बैठना को नहीं, चल ना बाथरूम बना दिली वहाँ बैठी हूँ, खेत से पकड़ पकड़ करके उठा उठा करके, खाना नहीं खाते थे, उसमें हग्गल मुत्तल सब चीज़ करते थे। उस समय स्वच्छ भारत में पूरा झारखंड में एकदम ले आया वोट, उस समय तो बहुत अच्छा लगा। आज इसी चीज़ को देख करके ना रघुवर सरकार हम लोग को 1,000 रुपया किए, आप आते के साथ गायब कर दिया, अभी गांव में निकाल दिया। फेज टू आपका पूरा स्वच्छता पर रहेंगे, और स्वच्छता में भीतर भीतर सब खा लेंगे घोटाला मार के। तो फेज टू निकाल दिया। जे जे एम में देखिए जलसैया को इन्वॉल्व नहीं किया गया कि इसमें जलसैया, और जब जलसैया साइन नहीं करती है तो सीधा क्या कहा जाता है, आप तो जलसैया साइन कीजिए। जब हम लोग सवाल जवाब करते हैं कि भाई जिस समय आप काम कर रहे थे उस समय आप हम लोग को खोजे नहीं, तो आज क्यों खोज रहे हैं हम लोगों को, तो आप साइन कीजिए, साइन नहीं कीजिएगा आपको हटवा देंगे। अरे भाई तुम्हारा बाबूजी का यहाँ पर रजिस्ट्री चल रहा है, हटवा दोगे, हटवाओ ना एक लोगों को, धमकी दिया जाता है। हाँ धमकी दिया जाता है, हटवा देंगे आप, हटवाओ तो उसके बाद तो कैसे हटोगे तुम लोग, वो भी देख लेना। क्या बोले जो भेंडर आएगा, जो ठेकेदार को आपको जो सरकार रखा है ठेकेदार को, वही ना देगा धमकी, किसी का पावर है धमकी देने का, हटवा देंगे तो हटवाओ ना भाई, कौन सा मर मिल रहा है जो हम लोग बैठने के लिए तैयार। हटेंगे मगर साफ सुथरा करके हटेंगे, गुना भागा कर लीजिए कि हम दो हमारे दो उसके कितने, वो सारे गुना भागा आप कीजिए। अभी तो आइएगा चुनाव से पहले, आपके पास आ रहे दादा भैया देवता का पूजा जा रहा है, सावन था ना, बोलबम कर किया जाता था ना, भोलेनाथ को अभी नहीं ना उतना पूज रहे हैं, तो आपका अभी चुनाव का टाइम है। उसी तरह हेमंत सोरेन मिथिलेश ठाकुर किए जा रहे हैं, और उसके बाद आपका चुनाव का टाइम आएगा, जब वोट का टाइम आएगा तब हम लोग ठेप्पा मारेंगे किस पे मारना है, देखिएगा उस समय। अभी भी हेमंत सोरेन जी दादा भैया आपको कर रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर जी अभी भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हम जलसैया लोगों की बातों को सुनिए और हम लोग की मांग को पूरा करें, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, एक आप जो हटाए हैं उसको लागू कर दे, जो ये 200-500 रुपया आप अपनी घर का एक मैट जो काम करती होगी उसको भी नहीं देते होंगे, हम लोग को तो पूरा गाँव साफ करवाते हैं, मैट से भी बेकार बद्दर समझ रहे हैं, तो आप कम से कम उस पर विचार करें, आप भी किसी घर के पुरुष हैं, आप उस पर विचार करें। जिस समय कल्पना सोरेन जी की, जिस समय हेमंत सोरेन जी गए थे जेल, उस समय कल्पना सोरेन जी कैसे दर दर भटक रही थी कि हमारे हस्बैंड किसी तरह निकले, किसी तरह ये हो, तो आपको तो हम लोग दादा, हम लोग एक महिला का दर्द समझे, तो कल्पना सोरेन जी आपके पति हैं, कोई दूसरे जगह का नेता नहीं है, आप भी थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए हम लोग की तरफ से, हम लोग सारे दीदी लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी, और नहीं तो फिर रिक्वेस्ट वही वोट के टाइम में हम लोग रिक्वेस्ट करवाएंगे अच्छे तरीके से, फिर ये गद्दी आप पकड़ने के लिए भूला जाइएगा, क्योंकि हम जलसैया का ही दर्द नहीं है बारे, आप समझ लीजिए जलसैया का बाल बच्चा उसका पति उसका सबका दर्द है, क्योंकि हम लोग को एज बचा नहीं है, आप पूरे एज खा गए हैं, सब चीज़ कर गए, हम तो आपको लाए थे इस चक्कर में कि ये जो आज चुनाव हुआ था 2011 में इन्हीं का करवाया हुआ था, तो हम लोग खुशी हुआ कि अरे भाई जो हम लोग को करवाया तो आगे बढ़ाएगा, मगर हम लोग को तो ये पता नहीं था कि जो करवाया और वही छीन लेगा, अगर ऐसा रहे तो कोई देवता, जो देवता अगर छीनता है ना तो देवताओं को किनारे कर दिया जाता है, उसको भी पूजा नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे नारी शक्ति है, अगर दर्द सह रहे हैं तो दर्द देना भी जानते हैं, अगर देवी बनते हैं तो दुर्गा का भी रूप जानते हैं, काली का भी रूप जानते हैं, किस तरीके से लेना है उस चीज़ को हासिल करके रहेंगे, तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पूरा 30,000 जलसैया की औरतें कि आप इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को गौर करें। बस मैं अपनी वाणी, मेरा नाम हुआ सपना शर्मा, जलसैया संघ की जिला दिया 6,000 बार। जितनी भी मेरी जलसैया बहन ने बोली वो उसमें से कोई कम नहीं है,
जितने हम लोग मांगे कर रहे हैं। 30 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, मगर सरकार का जुई 28 तारीख से अभी तक जुई उनके कानों तक नहीं गई, रेंग नहीं रही है। हमारी जो ये कल्पना जी सोरेन है, वो हम लोग से बोलती थी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा हस्बैंड जेल में है, तो आपका दर्द समझे दीदी, तो हम लोग का दर्द समझिए। आप मैया योजना निकाल के और हम लोग को भूल गए, तो क्या मैया योजना की बहन आपका प्यारी है और हम लोग क्या सौतेले हैं? हम लोग से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं सब? तो घर में बैठे थे, पैसा दिया जा रहा है उन लोग को, बिना काम उन लोग का, बिना काम का पैसा दिया जा रहा है। आपका बच्चा विदेश में पढ़ते हैं, आप यदि हवाई जहाज में उड़ते हैं, आप अच्छा फ्लैट में रहते हैं, आपको सरकारी सुविधा मिलता है, मगर हम लोग को क्या मिलता है? ठेंगा मिलता है। हम लोग इतना काम करते हैं, फिर भी हम लोग को दर दर का ठोकर दे रहे हैं। जब हम लोग धरना में बैठते हैं तो रोते हैं, तो आपको सुनाई नहीं पड़ता है। जब वोट के बारी आती है तो हम लोग को गली गली में खोजते हैं। जलसैया 30,000 है, 30,000 का गुना कीजिए, उसके कितने भागा और गुना होता है, उतना आपको सरकार फेंकेगी। अब मिथिलेश ठाकुर जिस एरिया से है वो तो जलसैया फेंकेगी, जितने भी जलसैया बहने हैं सब मिथिलेश ठाकुर के उस जगह से फेंकेगी, हेमंत सोरेन को फेंकेगी। और रही कि जितने भी फेस टू का काम जाता है तो जलसैया को इग्नोर किया जा रहा है और उसमें मान सम्मान नहीं दिया जाता है, और सारे जेजेएम का जो काम दिया जाता है उसमें भी जलसैया को हटाया गया, कहीं हम लोग को मान सम्मान नहीं दिया गया। ऐसी मत का जो फंड आता है उसमें भी जलसैया लोग को कुछ पता नहीं चलता, यानी हम लोग को जीरो बराबर है। हेमंत सोरेन के सरकार में हम लोग चुनाव आए थे 2011 से, हम लोग की महिला जो है वो सारी खूब ज़्यादा अमीर घर रहने की नहीं है, सब गरीब घर रहने की है और विधवा महिला है। हम लोग तो कुछ बहुत सहयोग कर लेते हैं, जो गरीब महिला है विधवा महिला है वो कहाँ से लाएगी, उसका बच्चा कहाँ जाएगा? आपका जो बच्चा पढ़ रहा है विदेश में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में आप दाखिला भी नहीं देते, उसमें भी आप लोग घुस ले के आ रहे थी करके हम लोग को निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा पोस्ट का दे वहाँ बहाली लेते हैं, मेरा बच्चा पढ़ता है फिर भी फेंका जाता है। जलसैया फेंका जाती, जलसैया कहीं भरने जाती कोई फॉर्म, तो जलसैया को हटाया जाए, जलसैया को नहीं लिया जाए। मैया समान योजना में नहीं लिया गया, दो पद में रखा नहीं जाता है। तो इसके साथ यदि हम लोग प्यार से मांग रहे हैं, कल्पना जी, जितने विधायक जी, जितने हेमंत सोरेन हैं, जितने महामंत्री हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आप दीजिए, हम लोग को मांगे 5 सूत्री का है वो पूरा कीजिए। जिस समय 11,000 जिस समय हम लोग 1,000 था उस समय बोला गया था कि आपका यदि मानदेय हम 18,000 करेंगे, 18 पैसा नहीं मिला हम लोग को। आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते करते थक गए हैं। उसके बाद अपने जो है हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे सब पोषण सखी को मान सम्मान दिए, बाल विकास महिला को मान सम्मान दिए, उसी तरह हम जलसैया को भी मान सम्मान दीजिए और हम लोग को सौतेला व्यवहार नहीं कीजिए। आप ही का झारखंडी है और आप ही का मुल्क का है, इसलिए हम लोग के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। मेरा नाम निसाद जहां, हजारीबाग जिला के हैं, सदर प्रखंड के हैं। इसी के साथ हम अपना बातें विराम लेते हैं, धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।